हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या होता है, इसको हम क्यों करवाते हैं, कौन सी डिजीज़ को डिटेक्ट करवाने के लिए करते हैं और लैब में इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो हम करते हैं इसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम, ठीक है। उन टर्म्स को हम पहले देख लेते हैं, उन टर्म्स का मीन समझ लेते हैं कि क्या मतलब होता है उन टर्म्स का, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेस्ट की सारी एम्स क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये किस तरह से किया जाता है लैब में, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखी है मैंने, उन टर्म्स को एक बार हम समझ लेते हैं क्या होता है उनका मतलब। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम और टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन, NaCl की कंसंट्रेशन। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है, और जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसी तरह से हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब दो वर्डों से मिलकर बना है, हाइपर मतलब ज्यादा और टोनिक मतलब कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है और सॉल्ट कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे तीन टर्म्स पढ़ी हैं, सबसे पहले है हाइपरटोनिक, उसके बाद है सॉरी हाइपरटोनिक, उसके बाद हाइपरटोनिक और फिर है आइसोटोनिक, ठीक है। तीनों का मतलब क्या हो जाता है कि हाइपो मीन्स होता है जिसमें वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है, और हाइपर मतलब जिसमें क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। और इसके बाद आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि इसमें सेम होता है, वाटर और जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है बॉडी के अंदर उसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, आइसोटोनिक नेचर की होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है और जो वो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल नेचर के मतलब क्या होता है कि वो केवल वाटर ही उसके अंदर से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, अंदर या बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है, प्रकृति होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी सेल। इसके बाद है इसमें हम क्या कुछ लेते हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो इन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट सब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो सॉल्वेंट की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है और सॉल्यूट की क्या होती है, उसमें कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नमक और पानी का अगर सॉल्यूशन बनाएं तो इसमें जो नमक की मात्रा होती है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट और इसमें पानी होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बनता है। तो ये यहाँ पर क्या थी, कुछ टर्म्स ही, ठीक है, जो हमने इसमें पढ़ी। अब हम उसको समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होती हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज से कि ऑस्मोसिस से जो हम ऑस्मोसिस के अंदर जो हम हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन लेते हैं उससे इनकी शेप पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं बता देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो आरबीसीज होती है नॉर्मल शेप की होती है और जो नॉर्मल शेप होती है क्या होता है, ओवल शेप का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसकी जो नेचर है वो क्या हो जाती है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक हो जाती है। तो उस कंडीशन में आरबीसीज की शेप क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो उस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का टेस्ट करते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कराया जाता है। अब हम ये देख लें कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उस कंडीशन में जो आरबीसीज होती हैं वो किस तरह से इफेक्ट होती है। जैसे मैं कि मैंने पहले बताया आपको, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है,
वो कौन सी उसकी होती है, सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, केवल वाटर का ही क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, अंदर या बाहर जा सकता है, और कोई जो मैटर है मटेरियल है वो इसमें आ जा नहीं सकता। तो फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं कि जो ये जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर और बाहर इसमें जो नॉर्मल जो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सेम होती है। तो इसका साइज भी क्या होता है, हमें ओवल शेप का दिखाई देता है, ठीक है। अगर क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूड है वो क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इसमें हम वो उसमें सॉरी NaCl की कंसंट्रेशन इसमें कम हो जाती है, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अगर ज्यादा हो जाती है तो वाटर क्या होगा, बाहर से आरबीसी के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, और अंडर एंटर करेगा तो क्या होगा, ये आरबीसी क्या हो जाएगी, स्वेलन हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें इस वाली कंडीशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आरबीसी के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें NaCl की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और आरबीसी के अंदर जो वो है सॉरी वाटर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि ऑस्मोसिस में कि जो कंसंट्रेटर अधिक कंसंट्रेशन से बाहर क्या हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट होगा, अधिक से कहाँ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। तो बाहर तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और आरबीसी के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा कि आरबीसी से कांच की तरफ बाहर की तरफ निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। और मैंने बताया था सेमी परमेबल की एक खासियत बात ये होती है कि इसमें से केवल वाटर ही आ जा सकता है और पार्टिकल नहीं जा सकते। जैसे कि इसके बाहर क्या है, NaCl के पार्टिकल है, तो NaCl की जो पार्टिकल है, सॉल्ट के जो पार्टिकल है, आरबीसी के अंदर नहीं जा सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा, सेल से वाटर कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, और बाहर की ओर निकलेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये था, क्या था, इसका ऑस्मोसिस का इफेक्ट था जो मैंने आरबीसी की कंडीशन में आपको बताया, ठीक है। तीन कंडीशन थी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत कैसी थी आरबीसी, नॉर्मल शेप की थी, ठीक है। क्यों थी, क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन बाहर और आरबीसी के अंदर सेम थी। दूसरी जो कंडीशन है वो मैंने बताई थी आपको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो आरबीसीज है उसकी शेप किस तरह से होगी। इसमें क्या होगा कि जो आरबीसीज है उसके बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, साल्ट की कम है, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, बाहर से आरबीसी के अंदर मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आरबीसीज फूल जाएंगी। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है वो क्या हो जाएगी हमारी, हाइपर टोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन में वाटर की कंसंट्रेशन आरबीसी के बाहर कम है और आरबीसी के अंदर ज्यादा है, तो वाटर कहाँ से बाहर निकल जाएगा, आरबीसी के बाहर अंदर से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद अब हम इसकी क्या करते हैं, डिटेल से स्टडी करेंगे कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या होता है। ना, अब इसका एम क्या है, ठीक है, एम क्या है कि ये जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। मेनली दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस ऑफ हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया और स्पेरोसाइटोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। मैंने ये बताई दिया आपको कि स्पेरोसाइटोसिस, स्पेरो का मतलब क्या होता है, स्पेरिकल शेप में, साइटोसिस मतलब सेल, सेल कैसी हो जाती है, ये स्पेरिकल शेप में हो जाती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, या फिर थैलेसीमिया को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, टू सप्लीमेंट अ स्टेन सेल एग्जामिन टू डिटेक्ट मॉर्फोलॉजी आरबीसी एबनॉर्मेलिटीज। आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, उसको अगर उसमें किसी तरह का एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसका जो एम है, इसका जो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम, क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, इन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट
करते हैं। हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है कि इन द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होल ब्लड इज एडेड टू वेरिंग कंसेंट्रेशन ऑफ बफर सॉल्यूशंस क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड अलाउ टू इंक्यूबेट एट रूम टेम्परेचर। देन द अमाउंट ऑफ हीमोलाइसिस इन ईच सेलाइन कंसेंट्रेशन इन देन डिटरमाइंड बाय रीडिंग द सुपरनेटेंट ऑफ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये इसका क्या है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर जो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में इसकी जनरल टर्म्स में समझाया था वही यहाँ पे दे रखा है कि क्या करते हैं हम इसमें होल ब्लड को क्या करते हैं डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन का जो बफर सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का उसमें ऐड करते हैं उसको, उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हुए क्या करते हैं उसमें देखते हैं कि हीमोलाइसिस का अमाउंट कितना हुआ है हर कंसंट्रेशन में। अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है, हम ये बताएंगे आपको कंसंट्रेशन जो बनाते हैं किस तरह से बनाएंगे सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं ब्लड को ऐड करके और रूम टेम्परेचर पर रखते हुए उसको क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं, किस में करते हैं उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसकी सुपरनेट्रेंट की क्या करते हैं रीडिंग लेते हैं और हम फिर हम देखते हैं कि उसमें आरबीसीज का जो हीमोलाइसिस हुआ है किस किस कंडीशन में या कौन कौन सी जो टेस्ट ट्यूब हमने ली थी कौन कौन से जो सॉल्यूशन हमने बनाए थे किस किस टाइप के कि किस किस उसके कंसंट्रेशन के अलग अलग कंसंट्रेशन के हमने जो सॉल्यूशन बनाए थे उसमें आरबीसीज का जो हीमोलाइसिस हुआ वो कितनी कितनी अमाउंट में हो वो क्या करते हैं इसमें हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये क्या है इसका जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है, इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ये टेस्ट काम करता है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब है, हिपरनाइज्ड ब्लड है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जिसके अंदर हम क्या लेते हैं डिस्टिल वाटर ले सकते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे इसमें NaCl यूज करते हैं। इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक इस तरह से हम इसको बनाते हैं और इसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन इसमें हम यूज लेते हैं। तो ये क्या है जनरल कुछ मटेरियल हमने इसमें यूज लेते हैं। हम इसकी देख लेते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या करते हैं सबसे पहले प्रोसीजर करने से हम डिफरेंट टाइप की जो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर करते हैं। किस तरह से करते हैं प्रिपेयर डाइल्यूशन ऑफ बफर सॉल्यूशन बफर सोडियम क्लोराइड एंड प्लेस इन द एप्रोप्रिएट लेवल टेस्ट ट्यूब। हमने यहाँ पे 14 टेस्ट ट्यूब लिए, इस तरह से टेस्ट ट्यूब नेम कर दी। उसमें हम क्या करेंगे हर ये लेते हैं 1% बफर NaCl, ठीक है, कितना लेंगे 10 ml इसमें ले लिया हमने और डिस्टिल वाटर कितना ले लिया हमने 0. और ये कितना बन गया 1 ml फाइनल इसकी कंसंट्रेशन आ गया। अब ये कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है, किस तरह से इसकी हम कंसंट्रेशन निकालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हम क्या करेंगे इसी तरह से बनाएंगे इसको 8.5 क्या लेंगे NaCl लेंगे और 1.5 इसमें डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, ठीक है। तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे 7.5 NaCl लेंगे और 2.5 डिस्टिल वाटर मिलाएंगे। इस कंटेंट इसमें कंसंट्रेशन में हम क्या करेंगे इसको NaCl और डिस्टिल वाटर को मिलाते हुए उसका हम क्या बना लेंगे डाइल्यूशन बना लेंगे, ठीक है, बफर सॉल्यूशन का। अब हमने बना लिया इस तरह से फर्स्ट से लेकर के 14 टेस्ट ट्यूब तक। अब आपको ये ध्यान में रखना है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब पे इसमें क्या लिया हमने NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा ली है, ठीक है, NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा ली है तो इसका मतलब क्या होगा वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और जो 14 नंबर की है उसमें हमने क्या लिया NaCl नहीं लिया है और कितना लिया है 10 ml डिस्टिल वाटर लिया है, तो डिस्टिल वाटर लिया है तो वो क्या हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब कंट्रोल होती है और एक क्या होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया इनका डाइल्यूशन बना लिया। अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा हमने 14 टेस्ट ट्यूब क्या कर ली रैक में इस तरह से एडजस्ट कर लिए उनको इस तरह का जो हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, NaCl लिया उसमें, उसके बाद उसमें डिस्टिल वाटर इतना लिया, फिर हमने NaCl लिया फिर डिस्टिल वाटर उसमें इतना ऐड किया, इस तरह से हम क्या बना लेंगे उनका सॉल्यूशन बना लिया हमने। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो है देन ट्रांसफर फाइल। अब हम क्या करेंगे हमने इस तरह से क्या डाइल्यूशन बना लिया, अब हम इसी तरह का एक 14 टेस्ट ट्यूब का एक दूसरा सेट लगा लेंगे,
सेकंड टेस्ट लगा, सेकंड सेट लगा लिया हमने, कहाँ तक लिया, 1 to 12 तक, ठीक है। 1 to 12 के लिए ये तो टेस्ट के लिए, हम अलग से एक दो टेस्ट ट्यूब और लगा देंगे कंट्रोल और नेगेटिव के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एड 0.05 ml ऑफ द पेशेंट हेपरेनाइज ब्लड। अब हम इन सभी टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, 0.05 ml हेपरेनाइज ब्लड डालेंगे पेशेंट का, ठीक है। डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ईच मिक्स टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली बाय जेंटली इन्वर्जन। अब हम उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे से इसको उल्टा करते हुए क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे, हर टेस्ट ट्यूब को मिलाएंगे। नाउ अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट। 30 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पर इन टेस्ट ट्यूब को रखे रखेंगे। देन रिमिक्स द टेस्ट ट्यूब जेंटली एंड सेंट्रीफ्यूज एट 1200 से लेकर के 1500 RPM पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे इन टेस्ट ट्यूब्स को। उसके बाद जो सुपरनेटेंट आएगा हमारा, केयरफुली ट्रांसफर द सुपरनेटेंट एंड रीड ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट वेवलेंथ ऑफ 540। जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, सॉरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उस पर हम कितनी वेवलेंथ पर, 540 nm की जो वेवलेंथ है उसके ऊपर इनका जो सुपरनेटेंट आया है हम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में, उस पर हम इनकी क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। देन सेट द ऑप्टिकल डेंसिटी एट 0 यूजिंग द सुपरनेटेंट इन टेस्ट ट्यूब 1, ठीक है। 1 की जो हमें उसमें क्या करेंगे, हम 0 डेंसिटी इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ले लेंगे, एंड विच रिप्रेजेंट द ब्लैंक और 0 हिमोलाइसिस, ठीक है। जो पहले वाला बताया था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, उसको क्या बताएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी हिमोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। और जो 14 वाला है वो क्या बताएगा, 100% हीमोलाइसिस। मैंने बताया था पहले ही आपको कि एक टेस्ट ट्यूब हमें फर्स्ट वाली क्या बताएगी, हमें नेगेटिव बताएगी, और ये हमें क्या बताएगा, इसका कंट्रोल बताएगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द परसेंट हीमोलाइसिस फॉर ईच सुपरनेटेंट एज फॉलो। ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है उसके थ्रू हम क्या बताएंगे, हर टेस्ट ट्यूब की क्या निकालेंगे, हम कैलकुलेट परसेंटेज क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ओडी, ओडी का मतलब क्या था, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सुपरनेटेंट। मैंने यहाँ पर क्या हर टेस्ट ट्यूब का नाम नहीं लिख रखा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वन टेस्ट ट्यूब, वन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ऑफ सुपरनेटेंट, एंड देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब ऑफ सेकेंड सुपरनेटेंट, और जो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड में क्या आएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सुपरनेटेंट टेस्ट ट्यूब 14, इसमें केवल 14 आएगा, जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, हम देख लेंगे किस टेस्ट ट्यूब की इसमें रीडिंग आ रही है और उसकी क्या इसकी रेंज होगी। नाउ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब मे बी रिगार्डेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब जो मैंने फिगर दिखा रखा है नेक्स्ट मेरी स्लाइड में, उसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे उसमें क्या डिटेक्शन आया है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसकी रीडिंग आई हमारे पास इस तरह, परसेंटेज में इसमें 0.9% आया, इसमें कितना आया है, इतना इसमें हीमोलाइसिस होता है, कौन सी परसेंटेज में, 7.5% की जो कंसंट्रेशन आई उसमें इस तरह का हीमोलाइसिस हुआ। इस तरह से आपको दिख रहा था होगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। हम देख लेते हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसमें। इन कंडीशन सच एज कंजेनाइटल स्पेरोसाइटोसिस द सेल आर स्टार्ट टू हीमोलाइट एट 0.55% ऑफ NaCl। जो हमने NaCl का जो कंसंट्रेशन बनाई थी उसकी जो 0.55% थी उस पर हमें क्या दिखाई देने लग जाता है, हीमोलाइज्ड दिखाई देता है। कौन सी कंडीशन में, कौन सी डिजीज में, स्पेरोसाइटोसिस में, जो कंजेनाइटल स्पेरोसाइटोसिस है उसमें अगर पेशेंट में ये डिजीज है तो इस परसेंट पर, इस परसेंट की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें हीमोलाइज दिखाई देगा, उसको देखकर हम बता देंगे कि इस पेशेंट को क्या है, कंजेनाइटल स्पेरोसाइटोसिस है, ठीक है। आप उस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें, हमने जो इसकी डाइल्यूशन की बनाई थी उसमें जो परसेंटेज निकाले थे हमने, ठीक है, फॉर्मूला के थ्रू, तो इसका अगर परसेंटेज, जिस टेस्ट ट्यूब का परसेंटेज क्या आ रहा है, 0.55% आ रहा है, उस परसेंट में अगर उसमें आ रहा है क्या ये वाला हीमोलाइज हो रही है वो परसेंट पर, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सी डिजीज है, कंजेनाइटल स्पेरोसाइटोसिस है। जो नॉर्मल आरबीसीज है, नॉर्मल आरबीसीज स्टार्ट टू हीमोलाइज एट 0.45% ऑफ NaCl। जो नॉर्मल
आरबीसीज है आपको इस परसेंटेज पर क्या है हीमोलाइज हो जाएंगी। ना थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में 0.3% है एनएसीएल का कंसंट्रेशन, इस पर ही क्या होने लग जाएंगी वो हीमोलाइसिस होने लग जाएंगे। तो ये क्या है हम आरबीसीज की जो जो हमने टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं उसके जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उस पर जब हमने ब्लड डाला तो उस कंडीशन में कौन सी टेस्ट ट्यूब में हीमोलाइसिस हो रहा है उसको देख करके हम क्या करते हैं उस डिजीज का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, 0.55 वाली पे है तो उसमें कौन सी डिजीज है, कंजेनाइटल स्पेरोसाइटोसिस है, और 0.45% पर है अगर हीमोलाइसिस तो वो कौन सी है, नॉर्मल आरबीसीज है। अगर 0.3% पर ही है हीमोलाइसिस तो क्या है उसमें, थैलेसीमिया है। ये क्या है इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताए। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ठीक है, और इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।